चना मसाला, उसका भी उसका आगे बढ़ो। वो बाबा की अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशी ब्लू ब्लडेड में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है ब्लू ब्लडेड, चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी लिख सकते हैं वीडियो रिलेटेड। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर हम दोनों आपके कमेंट जरूर रीड करेंगे और कमेंट्स रिप्लाई भी देंगे। थैंक यू। हमारा दूसरा चैनल है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, वहां पर भी विजिट करें, चलो आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो है मिलेंगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड से शेयर करें। बोलो क्या अभी उस चैनल में मैंने रिसेंटली कपड़ों की वीडियो डाली है जो मेरे ईद के कलेक्शन है। यस सिस्टर और वालदा साहिबा, हम सब ने ईद शॉपिंग कर ली है, सिस्टर की ईद शॉपिंग जो है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर दिखाई जा रही है। तो देखिए फ्रेंड, शाम का टाइम हो चुका है, शाम के टाइम एज यूजुअल हमारे घर में बाड़े से फ्रेश मिल्क आता है। बिस्मिल्लाह, तो शाम के टाइम दूध आ चुका है, बाड़े से ताजा ताजा दूध निकालते हैं शाम की अच्छी सी। आज शाम को अच्छी सी खीर बना रहे हैं, खीर अफतारी में होगी। सिस्टर ने चावल जो है बॉयल करके रखे हुए, जब मैं दूध लेने जा रहा था उससे पहले सिस्टर ने चावल चढ़ा दिए थे बॉयल होने के लिए। Yes. तो आज खास फरमाइश है वालिद साहब की और वालदा साहिबा की के खीर बनाओ। खीर बनाओ, बिल्कुल सही। खीर बना रहे हैं अच्छी सी, खीर बनाने के लिए दूध इजाफी आया है। Yes. जो है नॉर्मल रूटीन से ज्यादा आया है, ठीक है, ज्यादा है। 3 किलो इजाफी खीर के लिए आया है, ये देखिए। Yes, yes. 3 किलो ज्यादा है। खीर तो नहीं देखिए, नहीं नहीं ये 3 किलो जो है ना खीर में चला जाएगा। सही है जी भाई, बिल्कुल। ये देखो चावल बॉईल करके रखे हुए। बिस्मिल्लाह, तीन किलो दूध डाल दिया ना खीर में चला गया। ऊपर से चढ़ा देते हैं बॉयल होने के लिए। yes. थोड़ा सा खीर में दूध बढ़ा लेंगे, यानी 3 किलो से थोड़ा ज्यादा। हाँ हाँ, 3 किलो से थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे। ये हो गया, ये वाला दूध कवर अप कर देंगे, कवर अप कर देते हैं, उसको भी उबाल लेंगे। पहले आप इसी तरह करते हैं, दूध उबाल लेते हैं ताकि फिर अफतारी बनाते रहे, दूध ना खराब हो, ठीक है, टेंशन ना हो। बिल्कुल भाई, चलो ये मैं बोतल संभाल लूँ। दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, बस एक दूध एक बॉयल हो चुका है और एक और हो रहा है ना, ये दिखाओ। yes. इसको उबाल आ रहा है, खीर में भी उबाल आ गया, हल्की की हुई है ताकि गिरे ना। आज आपको बताते हैं अफतार में क्या क्या है। वैसे अल्लाह ताला की इतनी बरकत हो जाती है अफतार में कि बहुत चीजें बन जाती है। दिखाओ सिस्टर ने, रात में चिकन आया था कल, तो सिस्टर ने ये जो है ना ज्यादातर ये ड्रम स्टिक्स ली है, ठीक है, चौड़ियाँ, ठीक है। yeah. ये ऐसे कट लगा के इनको मैरिनेट करके रखा हुआ है, ये फ्राई होंगी, ठीक है, चिकन फ्राई, चिकन रोस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत चीजें है माशाल्लाह, मैं दूध पे ध्यान दे रहा हूँ कि गिर ना जाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, आप जो है अफ्तार की चीजें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, ये आज बना रही है पकौड़े, जो
ये फ्राई होगा और ये टेंडर भी है क्योंकि मैंने इसमें सिरके डाले थे। बिल्कुल टेंडर है, खूब अच्छा सर। ये खरबूजा दिखाओ, बड़े ही अच्छा फ्रूट चाट के लिए खरबूजा। ये भी खरबूजा, ये है बनाना। आज तो बहुत चीजें हो जाएंगी। फ्रूट वैसे रख देंगे तब तो खाना, आज फ्रूट वैसे रख जिससे खाना होगा। ये देखिए, ये हो गया। ये एप्पल फ्रूट चाट के लिए ना, यही वाला एप्पल हमें अच्छा लगता है। ये एप्पल हो गया और ये है स्ट्रॉबेरी। ये होगी बी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को निकाल लेते हैं। हाँ, ये ले इसमें रख लेंगे। ठीक है, ये इधर आ जाएगी हमारी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी धो के रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हम इस चैनल में निकाल लो और ये कर लो, दिखाओ फिर निकालो। ठंडी ठंडी ठंडी, ये देखो। यस, ये देखो फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी बड़ी प्यारी है। अब इसको हम वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेंगे स्ट्रॉबेरी को ना, अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, यस। इधर कढ़ाई भी हीट अप हो चुकी है। ये वो गैलन है भाई, गैलन कैन है जी, बिल्कुल कैन। चलो इसे डाल लेते हैं। और यहाँ पे हमारी खीर भी बन रही है और यहाँ पे हम पकौड़े भी बनाएंगे और चिकन रोस्ट भी बनाएंगे। ये हमने चिकन भी हमने मैरिनेट करके रखी हुई है। और आज दस्तरखान में फ्रूट चाट तो नहीं बनेगी, फल वैसे रख देंगे, है ना भाई? यस। और आज बनेगी लाइम मिनट में, वो क्या बनती है ड्रिंक? यस, वो विट मार्गरीटा भी कहते हैं, लाइम भी कहते हैं, बहुत से सोडा भी कहते हैं इसे। yes. बहुत से इसके नाम है। और ये पकोड़े भी के लिए चिप्स भी काटे हैं। और जिसे बैंगन वाले खाने होंगे वो बैंगन भी खाते हैं। बड़े भी कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी है। हाँ बस यूँ रख, सही सही। ये दस्तरखान पे इसी तरह रख देंगे, खरबूजे काट लेंगे और सेब के छिलके उतार के इसी तरह इसकी फ्रूट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और ये बनी मिंट मार्गरीटा या लेमन सोडा, ये दिखाओ। ये हमारी खीर रेडी हो रही है। खीर का ये है ना कि हमारे घर में खीर जरूर बनती है। वाली साहब अपने आंखों से पूरी फैमिली के लिए खीर बनाते हुए मजा आ जाता है। ठीक है, मैं पकौड़े डालूंगा। अब ले लेमन, लेमन सोडा भी बना लो। अब बना लेते हैं लेमन सोडा। लेमन सोडा बनाने के लिए ओरिजिनल नींबू है। ओरिजिनल नींबू काफी महंगा मिल रहा है ना जी भाई। तो ये ओरिजिनल नींबू, ये देखे। ये भी जब चिकन चिकन रोस्ट रेडी होगा ना, उसमें भी खूब जाएगा जी भाई। वो चटनी भी बनानी थी, टाइम ही नहीं मिला। चटनी भी बना लेंगे ना, एकदम नहीं आज दही बड़ी हुई है। ये देखिए, अब बनेगी मेन मार्गरीटा। यस, ठीक है भाई। सबसे पहले पानी डालेंगे। हां, सबसे पहले इसमें पानी जाता है जी भाई, 5 के हिसाब से बहुत है। डिसॉल्व हो गई है। अब इसमें लेमन चले जाएंगे। ठीक है, हमारे पास लेमन स्क्वीजर भी है पर निकाल ही नहीं अभी तक, है ना? यस, बिल्कुल भाई। जो सख्त नींबू होते हैं ना, वो उसमें होते थे स्क्वीज, है ना? वो एक होता है ना, जरा सख्त होता है।
हमारे पास वो वुड वाला भी है ना। हाँ लकड़ी वाला भी है, स्टील वाले भी है। लेमन स्क्वीज़ है। जी भाई देखिए फ्रेंड लेमन स्क्वीज़ कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारा तेल भी हीट अप हो गया है। यस। उससे पहले क्या डालेंगे, पकोड़े या रोस्ट? पकोड़े पहले छोड़ देते हैं। ठीक है आपके पकोड़े हो जाए। यस यस मिला जुला काम चलाएंगे। जी जी बिल्कुल। कुछ पकोड़े और कुछ ये। यस ये देखें फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह हो गई है। यस पकोड़ों से तेल खुशबू कितनी पेट दे रहा है। नया आता है ना तेल तो खुशबू देता है ना। और यहाँ पे हमारी खीर भी बन रही है, तैयार हो रही है। हल्की हल्की आंच पे रखी है, हल्की हल्की आंच पे खीर बड़ी मजे की बनती है। यस। और वाले साहब को बहुत मैश नहीं चाहिए पसंद, यानी चावल बहुत मैश ना हो। अभी हम चीनी डालेंगे ना। यस यस लास्ट में चीनी और वो जाएगी ना सब्ज़ इलायची। ठीक है ठीक है। हमारे घर में जो है ना खीर में ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं किए जाते, हालांकि मेवा पड़ा हुआ है, बादाम भी पड़े हुए हैं। बिल्कुल भाई, लेकिन वो नहीं अच्छा लगते हैं। फिर ये निकालते रहते हैं जो ये होते हैं ना मेवा, ये बहुत मीठा कर देता है खीर। सादी सी खीर पसंद करते हैं सारे। बिल्कुल भाई। इसमें खीर में भी किस्में होती हैं, खीर होती है, फिरनी होती है। फिरनी जो है ना चावलों को पीस कर बनाई जाती है। यस। और खीर जो होती है चावल थोड़े मोटे मोटे होते हैं। हाँ मोटे मोटे होते हैं। ये इसमें तीसरा नींबू भी चला गया। देखो नींबू का रस देखो ना कितना बहुत रस, और महंगा भी बहुत है ना ये। असल नींबू बहुत महंगा मिल रहा है, जो खट्टी है वो सस्ती है। यस। और ये फेंकेंगे नहीं, ये माल में ले कावे भी। हम कावा बनाते हैं ना जो लेट नाइट वाला रात वाला कावा बनता है, उसमें इसके छिलके डाल देते हैं तो फ्लेवर आ जाता है कावे का ना। जी भाई बिल्कुल। अब चलेगी सेवन अप। सेवन अप ब्लैक सॉल्ट। ये ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जाएगी बस। ब्लैक पेपर ऊपर भी पड़ी है भाई। ये है काला नमक, ये चला गया। और यहाँ से ले लेते हैं काली मिर्च। ये देखो घर के पीसिंग। ये बन गया हमारा सोडा। यस। इसमें हम पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। हाँ पुदीने के पत्ते और लेमन ना एक थोड़ा सा कूट के, बहुत बारीक नहीं करना, वो डाल दो तो ये फिर मिंट मार्गरीटा बन जाता है। यस। ये सारी एक ही चीज है, मिंट मार्गरीटा लाइम। यस ये हो गया। दूध ठंडा ठंडा इसे प्रेजेंट किया जाता है तभी ये लगता है मजे मजे का, है ना। बताओ जो नया तेल होता है ना इसमें पकौड़े नीचे बैठ जाते हैं दम कर, है ना। पकौड़े भी बन रहे हैं जो है ना, सोडा सर्व कर लेते। सोडा सर्व को सर्व कर लेते। अच्छा ये सोडा ही नहीं बना हुआ अंदर जो है ना वो रूह अफ़ज़ा भी बनाएंगे। ठीक है ठीक है। और सादा पानी भी रखते हैं, रूह अफ़ज़ा काम हमारे घर में पी जाती है, हालांकि
वाली साहब ना बहुत रूह अफजा ला रही है, बिल्कुल बड़ी बड़ी कैलन लाए, पर रूह अफजा जो है ना थोड़ी कम पीते हैं रोजा खोल में। सिस्टर जो है ना शरबत पहुंचा रही थी दस्तरखान तक, तो पकौड़े भी निकल के पास पैच है ना जी, बिल्कुल भाई, इन पे आप ना चाट मसाला भी, चाट मसाला सही है, यस, और मजीद में बैच डाल देता हूँ पकौड़ी का जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट बैच चिकन, चिकन डाल दें, यस, ये देखें फ्रेंड्स, ये लेता हूँ ये शरबत सब कलर, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट बैच जो हो रहा है, अब देखिए अल्लाह ताला की कितने करम होता है, कितनी रहमत होती है अफ्तार दस्तरखानों पे कि बाजार से भी अफ्तारी आ चुकी है, ठीक है, ये देखिए बाजार से क्या क्या आया वो भी देखते हैं, ये आई है जलेबी रेड वाली, ये देखिए ये वाली है ना, सही है, इसके अलावा देखिए क्या आया समोसे बड़ी, ठीक है, पीछे से फटा हुआ है ना, ताजे गरम गरम है ना, तो इससे ये आलू वाले समोसे, समोसे ये वाला सही है जी, साथ में ये है चने खट्टी मीठी चटनी नहीं पुदीने की चटनी, ये जरूर भाई लाए होंगे जो फैमिली रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है भाई, खट्टी मीठी चटनी, अब निकाल लेंगे चले भाई को प्लेट बना के दे दो ना चने डाल के ना, अब डालेंगे चटनी पुदीने की चटनी, यस जी 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 जी, दही पुदीने की चटनी भी निकाल दी, देखे चने की चटनी खट्टी मीठी चटनी जलेबी और समोसे ही जो है ना ये बाजार से आ गए जी है ना, जी और पकोड़े घर में रेडी किए, इसके अलावा जो है ना चिकन रोस्ट कर रहे हैं, देखिए चिकन आप रोस्ट करने डालेंगे, दिखाओ आलू के पकौड़े रेडी हो गए हमारे, ये भी निकाल लेते, एक लो ना ऐसे क्लिप प्यारा सा,
पे ना गरम गरम काम ये करना है, चाट मसाला है ना जी भाई। और इसके अलावा देखिए ये हमारा हो गया, अब हम डाल लेंगे, अब हम चिकन डालेंगे बिस्मिल्लाह। ये देखिए इसमें मैंने कट कुट लगाए हैं, कट लगाए हैं और ओवर नाइट ये मैरिनेट रही है। इसमें सिस्टर ने दही डाली है ना, क्या क्या डाला है? दही डाली है, नमक डाला है, मिर्च डाली है, थोड़ा हल्दी डाली है और गरम मसाला डाला है, चाट मसाला डाला है और ये सारी ये ये तोड़िए सही है जी, तोड़िए और बेसन की कोटिंग की थोड़ा थोड़ा बेसन लगाया ठीक है। अब सिस्टर जो है ना समोसे पकोड़े जलेबी ये भी जो है ना दस्तरखान तक पहुंचाती है। देखिए फ्रेंड्स रोज़ा भी खुल गया साथ साथ और हमारा फर्स्ट बैच रेडी भी हो गया, रेडी भी हो गया बिल्कुल चिकन रोज का ठीक है। यस साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं और सिस्टर जो है रोज़ा भी अफ्तार, रोज़ा भी अफ्तार कर रहे हैं बिल्कुल, ऐसे ही होता है हमारा रोज़ा अफ्तार ठीक है, साथ ही किचन में ही होता है और साथ साथ काम करते रहते हैं ना जी। ये देखें फ्रेंड्स अंदर वालदा साहिबा, वालिद साहब, भाई जुनीद दस्तरखान पे जो है रोजा अफ्तार कर रहे हैं और हमने भी वहाँ खड़े होकर अफ्तार किया, बस और फिर किचन में ही देख रहे हैं साथ साथ लगे हुए अफ्तार भी कर रहे हैं। ये देखो है। अब ये बैज भी चिकन रोस्ट का डाल देते हैं। यस यस ये देखिए खीर ओवर नाइट मैरिनेट करने के, ओवर नाइट मैरिनेट करने से दो तरीकों का मतलब दो फायदे होते हैं, एक इसके अंदर स्पाइसेस जो डाली है ना वो अंदर जज हो जाती है और दूसरा ये कि सिरका डाला ना तो हम वो टेंडर हो जाए, वो मुझे आप कटोरियाँ निकाल दो ठीक है जी ना भाई, खीर वाली कटोरियाँ चालू कर दो। ये जो फ्राई चीज़ें होती है ना रोस्टेड आइटम इन पर भी चाट मसाला फूट जाता है ठीक है। ये हो गया खीर, अभी इन छोटी कटोरों में दे रहे हैं क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम है, ज़्यादा तो किसी से खाना है नहीं, खाया नहीं जाएगा है ना, खीर रेडी होगी बिल्कुल। साथ साथ खीर खा लेंगे ना, खीर खा लेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर डिनर होगा। यस बिल्कुल भाई, चिकन का वो सिस्टर जो है ना वो वाला दस्तरखान पे जा रही है, ये दिखाओ ये पलट लेते हैं आज इन्हें इतनी बरकत होती है कि उसका फास्ट सच जाते हैं और बाहर से भी इफ्तारी आ जाती है, बिल्कुल घर में भी बन जाती है और बाहर से बाहर से ही बाजार से भी ले आते हैं, यानी वाले साहब भाई
कोई भी जाए तो ले आता वापस है ना। वाले साहब ऑफिस से आते हुए ले आते हैं या फिर बाइक चुनिए जाते हैं ना, वो भी ले आते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं ले आता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो सब करवा खीर और रोज। ये देखिए ये सिस्टर ने बनाया है और ये कितना अच्छा अंदर से कुक है, ये देखिए मजे मजे में। फ्रेंड्स फाइनल रोस्ट भी हमारा रेडी हो गया। यस यस ये देखें डन है। बड़ा ही टेस्टी बना है मैंने और सिस्टर ने अंदर दस्तरखान पे टेस्ट भी किया है ना। बिल्कुल लगे थे खाया ये हो गया। आप कौड़ी के पास ये बना रहे फ्राइज खाएंगे, चाय रखेंगे, एक तरफ दूध कच्चा था वो रखना है, सही है। यस दूध रखा हुआ जाएगा, गरम फिर लेमन और चाट मसाला। चार्जिंग कम हो गया, फ्रेश बन गई। अब डाल देंगे चाट मसाला। रोस्ट रेडी, चिप्स बन रहे हैं आखिरी वाले और बस फिर चाय रखते हैं, दूध एक तरफ उबल जाए। सबकी पहुंच गई है, मेरी यहाँ पड़ी है, मैं यही खा लूंगा। चलो देखिए सिस्टर का था ना दिल फ्राइज खाने का, फ्राइज भी रेडी है। सिस्टर इतना मजे का मसाला डालती है, इस पे भी आपने थोड़ा सा नींबू छिड़क के ऊपर मसाला छिड़के हुए हो। अब चाय रखते हैं फौरन क्योंकि सब चाय मांगेंगे। सिस्टर ने आज डिनर में क्या बनाया है, ठीक है। एक मिनट दो मुझे। देखिए चाय बन के रेडी हो गई है और प्यारी सिस्टर भी देखिए बर्तन भी धो लिए, अभी काउंटर वगैरह क्लीन करना बाकी है। जी भाई बिल्कुल। और जी सिस्टर ने डिनर भी रेडी किया हुआ है। यस सब जो है ना तरावियों के बाद नमाज तरावी के बाद जो है डिनर करेंगे। जी जी भाई क्या देखिए सबको फ्रेंड्स को दिखा रही हूँ ना किचन। बस सिस्टर ने देखिए बर्तन धो लिए, बस काउंटर क्लीन करना। यस और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने जो है ना अफ्तारी कर ली है, मगरिब की नमाज भी पढ़ ली है बिल्कुल, और अब चाय मिल रही है सबको इशा की नमाज से पहले। ईशा के बाद जो है ना इंशाल्लाह डिनर करेंगे सारे। यस बिल्कुल। वाली सब कौन सी थी, अब इसमें मलाई डाल लेंगे है ना। यस गरम थी, गरम ये इसमें गई मलाई। मलाई मिलाई प्यारी वालदा साहिबा की चाय में, मिलाई प्यारी सिस्टर की चाय में, मिलाई मिलाई प्यारे भाई जरीर की चाय में, मिलाई
काशी भाई की चाय पे मिलाई चाय चुई भी होगी सही है। यस यस चलो।